दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो नीचे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब दिख रहा होगा, इस पर आप लोगों को दबाना है। उसके बाद बेल आएगी, बेल पर भी दबाना है, फिर तीन ऑप्शन दिखेंगे, ऑल वाले ऑप्शन पर दबा लेना है। बस आप चैनल से अब जुड़ गए हैं, अब हर जानकारी आपके पास हमारी। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज शाम की सच्ची खबरों में आप सबका स्वागत है। यह वीडियो सभी राज्यों की आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी और सभी भाई बहन, चाहे आप आंगनबाड़ी वर्कर हो या ना हो, सबके काम आने वाला है। तो पूरा यह वीडियो ध्यान से कर जाइएगा, टॉपिक बहुत ही ज्यादा जरूरी है और ये जुड़ा हुआ है कोविड-19 वैक्सीन से। आपको बता दें, दैनिक भास्कर वालों ने एक खबर निकाली है, इसको आपको हम बताना चाहेंगे। मैटर हमारे पास प्रेम लता बहन ने मुझे भेजा हुआ है व्हाट्सएप से और यहां पर एक खबर छपी है, जरा इस पर आप लोग गौर करिए। दैनिक भास्कर वालों ने खबर निकाला है कि कोविड वैक्सीन जो है फैक्ट शीट। आप लोगों को बता दें, अगर आपको बुखार है, गंभीर एलर्जी है, तो भारत बायोटेक की कोविड वैक्सीन ना लगवाएं, ऐसा बोला गया है। आखिर क्यों, तो पूरा विस्तार से जान लीजिएगा। यह मैटर अभी हाल ही का है, कोविड वैक्सीन जानकारी की जो है, यहां पर जानकारी ही सुरक्षा है, ऐसा बोला गया। लिखा है, कोविड वैक्सीन नहीं लगवानी है तो वैक्सीनेशन साइट पर कर सकते हैं मना, अगर नहीं लगवानी तो मना कर सकते हैं। आगे है, गर्भवती और स्तनपान जो है करा रही महिलाओं को कोविड वैक्सीन नहीं लगेगी, ऐसा भी इसमें साफ किया गया है। इसके अलावा बुखार है, दर्द है, सूजन है, कमजोरी है, तो कोविड वैक्सीन के सामान्य साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे, ऐसा बोला जा रहा है। अभी हम पूरा मैटर जानेंगे आज, ताकि आपको विस्तार से पता चल पाए। इसमें लिखा है कि केंद्र सरकार ने कहा था कि कमजोर और इम्यूनिटी वाले या फिर इम्यूनिटी बढ़ाने की दवा ले रहे मरीज को भी कोरोना वैक्सीन लगवा सकते हैं, लेकिन लगातार सामने आ रहे एडवर्स रिएक्शन की वजह से भारत बायोटेक ने मंगलवार को फैक्ट शीट जारी की है। एक नया यहां पर खुलासा सामने आया और उसमें उन्होंने कहा है कि कमजोर इम्यूनिटी वाले और इम्यूनिटी बढ़ाने की दवा ले रहे मरीज कोविड वैक्सीन ना लगवाएं। अगर ऐसे लोग जो है कोवैक्सीन लगवाते हैं तो उन्हें गंभीर एलर्जिक वगैरह रिएक्शन हो सकते हैं, इसके साथ ही जिन्हें बुखार है वे भी वैक्सीन ना लगवाएं। आइए जानते हैं कि कोवैक्सीन की फैक्ट शीट क्या कहती है। तो यहां पर आपको बताएंगे कि कंपनी ने, भारत बायोटेक ने क्या कहा है, तो जरा उनकी बातों पर भी गौर करिए। सरकार ने जो जानकारियां जाहिर कर दी हैं, सिर्फ उन्हीं को लेकर के मत बैठे रहना, समय बीतता है उसके साथ खबरें बदलती रहती हैं। और यहां पर नई खबर आपके लिए हम लेकर के आ जा चुके हैं। दैनिक भास्कर ने यह भी छापा है कि आपको जो है यहां पर वैक्सीनेशन सेंटर पर कोवैक्सीन लगवाने से पहले क्या बताना है, यह भी ध्यान रखना है। आप वैक्सीन लगवाने जाते हैं तो वैक्सीनेशन अधिकारी को कुछ बातें बतानी होंगी। मसलन, क्या आप किसी बीमारी के लिए नियमित दवा ले रहे हैं? अगर दवा ले रहे हैं तो भी उनको जरूर बताना, अगर हाँ तो कितने समय से और किस बीमारी के लिए आप दवा ले रहे हैं, यह भी बताना जरूरी है। बेहतर होगा कि अगर आपको इनमें से कुछ है, इसमें देखिए लिखा हुआ इनमें से कुछ है, तो वैक्सीन ना लगवाएं। हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर इनमें से कुछ चीजें हैं तो आप वैक्सीन ना लगाएं, ऐसा बोला जा रहा है इसमें, जो है यहां पर जो दैनिक भास्कर ने खबर निकाली है। इसमें लिखा है, किसी तरह की एलर्जी अगर है आपको तो वैक्सीन ना लगवाएं। दूसरा है, बुखार अगर है आपको तो वैक्सीन ना लगाएं। इसके अलावा, खून से जुड़ा कोई विकार या खून को पतला करने की दवा ले रहे हैं अगर आप, तो उसमें भी आप वैक्सीन ना लगवाएं। ये यहां पर तीन तो चीजें मैंने आपको बताई, अभी आगे चलते हैं और आपको बताते हैं इसमें देखो और क्या क्या लिखा हुआ है। तो अब आगे चलते हैं, जैसे कि ये लिखा है, क्या आप जो है यहां पर इम्यूनो क्रोमाइज्ड वगैरह है या फिर इम्यूनो सिस्टम वगैरह को जो आपका प्रभावित करने वाली कोई दवा अगर आप ले रहे हैं, यानी अपना इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए आप कुछ ले रहे हैं अलग से दवा, तो उसके लिए अगर आप जो है ऐसी सिचुएशन में तब भी आप ना लगवाएं, मना कर दीजिएगा। अगर आप जो है यानी कि गर्भवती अगर कोई महिलाएं हैं तो उनको भी मना कर जो है वो मना कर सकती हैं। आप स्तनपान अगर कराती हैं तब भी आप चाहो तो मना कर सकती हैं, ऐसा इसमें देखो लिखा हुआ। तो यानी अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपको मना कर ही देना चाहिए। आगे है, आपने कोई और कोरोना वैक्सीन अगर लगवाई है तो भी आप लोगों को मना कर देना चाहिए। देखो, भारत बायोटेक और एक और दो जो है वैक्सीनें शायद चल रही हैं, अलग अलग आ रही हैं, तो ऐसी लिए ये मैटर बने हुए हैं। अभी कुछ मैटर आपने देखे भी हैं काफी जगह, जो सामने मामले आए हैं जिनमें डेथ भी हुई है। अब आगे देखिए, भारत बायोटेक की जो है कोवैक्सीन किसे लगाई जा सकती है, ये भी देखिए, यानी कौन से वो लोग हैं जिनको वैक्सीन लगाई जा सकती है। लिखा है, CDC SCO ने कोवैक्सीन को क्लिनिकल ट्रायल मोड में सीमित इस्तेमाल की मंजूरी दी है। भारत सरकार ने जिन लोगों को जो है कोरोना
वैक्सीनेशन के प्रायोरिटी वगैरह के लिए उसमें देखो रखा हुआ है, तो केंद्र सरकार ने कहा था कि कमजोर इम्यूनिटी वाले या इम्यूनिटी बढ़ाने की दवा ले रहे जो मरीज है उनको कोरोना वैक्सीन वो लगवा सकते हैं, लेकिन लगातार जब केस सामने आए तो फिर यहां पर बोला गया कि ऐसे लोग ना लगवाएं। तो फिलहाल के लिए हम आपको अगले पेज पर ले चलते हैं, यहां पर डबल पेज था, तो यहां पर देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि इसमें क्या इससे पहले जो है कोवैक्सीन का इस्तेमाल हुआ है, तो लिखा है सेंट्रल ड्रग वगैरह लाइसेंस लाइसेंसिंग जो अथॉरिटी है उन्होंने सतर्कता के साथ ही कोवैक्सीन को क्लिनिकल ट्रायल मोड में बेचने और लगाने की अनुमति दी है। क्लिनिकल वगैरह ट्रायल्स के फेज वन में 300 लोगों को और फेज टू में 380 वॉलंटियर्स को वैक्सीन लगाई गई थी। क्लिनिकल ट्रायल के फेज थ्री में 25,800 वॉलंटियर्स को वैक्सीन लगाई गई है, ऐसा बोला गया। देखो अभी यहां पर इनका पूरा ट्रायल भी भारत बायोटेक का नहीं हुआ था और ये वैक्सीन लगाई जा रही है। और लिखा है और 6 जनवरी 2021 की स्थिति में सभी वॉलंटियर्स को कम से कम एक डोज दिया जा चुका है, ये भी इसमें बोला गया है। तो आप देख लीजिएगा ऐसे मामले सामने आए हैं। तो एक ये जानकारी मेरे पास आई थी, इसमें काफी बहन भाई सवाल करते थे कि हम अगर लगवाना नहीं चाहते तो क्या हम क्या करें। तो अगर आप लगवाना नहीं चाहती हैं तो उम्मीद है कि आपके साथ गलत नहीं होगा, अगर आपका मन नहीं है तो आप मना कर सकती हैं। और इसके लिए अगर ये खबर सत्य है, क्योंकि ये जो खबर है दैनिक भास्कर वालों की तरफ से छापी गई, निकाला गया आर्टिकल, तो शायद ये सही होगा मैटर और ये चीजें बताई जा रही हैं। बाकी जिन्हें भरोसा है और काफी लोगों ने लगवाया है, कोई दिक्कत ही नहीं हुई है, तो अगर आप कोई बीमारी से ग्रसित नहीं है तो आप जरूर लगवा लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वैसे भी जो है जो आपको ठीक लगे, आप ये कुछ निर्णय अपने अकॉर्डिंग लिया करो, किसी के कहने पर नहीं। हमारा कर्तव्य दिखाना, क्योंकि जो सोशल मीडिया पर या मीडिया में आ रहा है वो आप लोगों तक लाना हमारी जिम्मेदारी है। प्रेमलता बहन ने जानकारी भेजी इस उम्मीद में कि बहनों को बताएं और उनको भी पता चले। ये दैनिक भास्कर वालों में आर्टिकल छपे थे और ऐसे करके मेरे पास स्क्रीनशॉट उन्होंने ही भेजे हैं, अब वहां से स्क्रीनशॉट मैंने लिए। अब आप लोगों को एक वीडियो हम दिखाने जा रहे हैं प्री प्राइमरी ट्रेनिंग का, जरा इस पर आप लोग अपने ऐसे बच्चे होते हैं जो स्कूल आते हैं, खाना और खाते वापिस चले जाते हैं, चले जाते हैं, ऐसे माँ बापों से बात होनी चाहिए, ऐसे माँ बापों से बात होनी चाहिए, ऐसे माँ बापों से बात होनी चाहिए, बच्चों की पढ़ाई में विचार करना चाहिए, बच्चों की पढ़ाई में विचार करना चाहिए, ऐसे बच्चे होते हैं जो स्कूल नहीं आते हैं, ऐसे बच्चे होते हैं जो स्कूल नहीं आते हैं, ऐसे बच्चे होते हैं स्कूल नहीं आते हैं, ऐसे बच्चे होते हैं स्कूल नहीं आते हैं, ऐसे परिवारों से बात होनी चाहिए, बच्चों की पढ़ाई में विचार करना चाहिए, बच्चों की पढ़ाई में विचार होना चाहिए, बच्चों की पढ़ाई में विचार होना चाहिए, ऐसे बच्चे होते हैं जो स्कूल रोज आते हैं, स्कूल रोज आते हैं, ऐसे बच्चे होते हैं जो स्कूल रोज आते हैं, स्कूल रोज आते हैं, ऐसे बच्चे होते हैं स्कूल रोज आते हैं, ऐसे बच्चे होते हैं स्कूल रोज आते हैं, बिना पढ़ लिखे वापिस घर को जाते हैं, ऐसे अधिकारियों से बात होनी चाहिए, ऐसे अधिकारियों से, ऐसे शिक्षा मित्रों से, ऐसे मेरे सर जी से बात होनी चाहिए, बच्चों की पढ़ाई में विचार करना चाहिए, आंगनबाड़ी बहनों से बात होनी चाहिए, आंगनबाड़ी
पर मेरे सरे और मेरे मुंह से बात होनी चाहिए, बच्चों की पढ़ाई में विचार करना चाहिए, बच्चों की पढ़ाई में विचार करना चाहिए, ऐसे अधिकारियों से बात होनी चाहिए, ऐसे अधिकारी